बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में। नाउ आई नो कि इस गेम को सभी लोग खेल रहे हैं आजकल, सभी लोग, और आप लोग भी चाहते हो कि मैं भी इस गेम को खेलूं। इसलिए मैंने आज से कुछ दिन पहले अपने कम्युनिटी पोस्ट में आप लोगों को बताया था कि मैं इस गेम को खेल, इसलिए मैं जा रहा हूं अपने बेड पे सोने के लिए। भाई साहब क्या नींद है भाई माइनक्राफ्ट के अंदर। थैंक यू सो मच। यहां पर यू कैन ओनली स्लीप एट नाइट ड्यूरिंग द थंडरस्टॉर्म्स। ओके आई विल स्लीप एट द नाइट। जैसे यहाँ पर रात होगी मैं इस प्रोग्रेस को सेव करने वाला हूँ इस बेड पे एक बार सोने के बाद, एंड दैट्स इट। ये हमारी रिस्पॉनिंग वाली जगह होगी। ये है मेरा हेमलैंड, ये है मेरा घर गाइस, ये मेरा जी हाँ। वाओ दिस इज माय हाउस, दिस इज माय हाउस, ओ माय गॉड। भाई साहब इतना ज्यादा, इतनी ज्यादा प्रोग्रेस, मुझे लगा बाहर कोई है। तो ये मेरा कैसल तैयार हो चुका है, आप लोग देख सकते हो, और मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है, बहुत ही ज्यादा सुंदर। ये मेरा प्लान है, हमारा बेसिक स्ट्रक्चर, या फिर आप बोल सकते हो कि हमारा ऑलमोस्ट पूरा काम कंप्लीट हो चुका है। हमारा बेसमेंट है जहां पर मेरा बेडरूम बनने वाला है। मेरा घर देखो भाई साहब, महल जैसा घर मैंने बनाया हुआ है माइनक्राफ्ट के अंदर। बहुत ज्यादा टाइम लगा, एंड ऑब्वियसली मैंने ये भी बनाया था। देखो मेरी फील्ड देखो। ओके मैं फील्ड का आपको ओवरव्यू दिखाता हूं ऊपर चढ़ के। ये है मेरी क्रॉप फील्ड्स। सबसे पहले मैंने लगाई है वीट, फिर मैंने लगाई है गाजर, फिर मैंने फिर से लगाई है वीट। वीट में ज्यादा लगा ये बिकॉज यहाँ पर बहुत सारी भेड़ बकरियां हैं। और मैं आप लोगों का भी अपना रूम टूर देता हूँ, घर का टूर। देखो मैंने ये बनाया हुआ था, मैंने बोला था ना आप लोगों को मैंने अपने लिए क्यूट कासल बनाया छोटा सा। देखो यहाँ से नीचे मैंने वो बनाया हुआ था अपने लिए ना, अपने शिप के लिए, सॉरी बोट के लिए स्पेशली। एंड यू गाइस विल सी, यहाँ पर मैंने आप लोगों को बोला था कि मैंने एक बनाया था अपने लिए ये अंडरग्राउंड स्विमिंग पूल, जो कि ये रहा। और मैंने यहीं से बनाया हुआ था अपने कैसल को कनेक्ट करने के लिए ये वाला ट्रैप डोर टाइप थिंग। ओके इसके हिसाब से अगर ये विलेजर्स मेरे मर गए, एक बार ये ज़ॉम्बी विलेजर में कन्वर्ट हो जाएंगे ना, तो ये मर भी तो सकते हैं, राइट? सो आई थिंक मेरे को इस जगह को पूरा बंद करना पड़ेगा टेम्परेरी बेसिस पे। ओके ओके मैंने यहाँ से थोड़े बहुत पत्थर निकाल दिया ना, बिकॉज मेरे को इसको दूसरी साइड से भी तो कवर करना पड़ेगा। यस ऑफकोर्स ऑफकोर्स। ओए छोटा वाला इनको मार काई के ले रहा है। ये जो मैंने नए वार्प्स टाइम के प्लैंक्स के साथ गाइस जो मैंने घर बनाया हुआ है, कैसा लग रहा है भाई मैं बताऊं? मुझे तो बहुत ऑसम लग रहा है। चेक दिस आउट गाइस, मेरा पूरा का पूरा टाउन यहाँ पर बन के तैयार हो चुका है। एंड मैंने डिसाइड किया कि मैं इस टाउन का नाम रखने वाला हूँ हिम टाउन। तो मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ। ओवरऑल गाइस मैंने यहाँ पर ना 5 घर बनाए हुए हैं, एंड बीच में तुम लोगों का बड़ा सा घर दिख रहा होगा ना। तुम लोग बोल सकते हो इस बड़े से घर को धर्मशाला। इट्स बिकॉज मैंने यहाँ पर जो बेड्स लगा के रखे हुए हैं ना, वो ऐसे लगाए हुए हैं। आई मीन जितने भी विलेजर्स हमारे यहाँ पर रहेंगे उनको अपनी प्राइवेसी नहीं मिलने वाले, जैसे कि इन घर के विलेजर्स को मिलने वाली है। तो कोई 4 विलेजर्स गाइस इन घरों के अंदर रहेंगे, एंड बाकी के विलेजर्स हमारे धर्मशाला में रहने वाले। Alright everyone, अब अगला एजेंडा क्या है मेरा? हमारा सारा का सारा सामान हमारे विलेज से आ चुका है सामने वाले। Yes, yes, oh yes, देखो तुम लोग भाई यहाँ पर, अब ये मकड़ी यहाँ पर ट्रैप होने वाली है, एंड मैं इनको यूं पटाके मारने वाला, यूं करके फैलाओ। ओह, पकौड़ा कहीं का तेरी ऐसी की तैसी। एंड तुम लोगों ने देखा भी यहाँ पे इसके ऊपर इसने हमला किया। वेट अ सेकंड, मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ, तुम्हें नहीं पता। ये देखो अभी देखा तुम लोगों ने कहा, ये बंदा ही गायब हो गया। बस आखिरी काम बचता है गाइस मेरा, जो कि हर जगह पर पानी डालने का। ओह माय गॉड गाइस, बहुत ही ज्यादा एपिक लग रही है, देखो बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। ओह माय गॉड, मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि भाई मैं इतना ज्यादा अच्छा बिल्डर हूँ। अभी लिटरली 2 मिनट हुए, सिर्फ 2 मिनट, ठीक है। और तुम लोग यहाँ पर लूट देखो एक बार 27 एमरल्स, इनफैक्ट 28 एमरल्स, 4 टोटम ऑफ अंडाइंग, कितने सारे सैडल्स आ चुके भाई। और अभी मैं ऐसे बस छलांग मार के जाने वाला हूँ मेरे प्यारे प्यारे घर के अंदर। वहां पर है मेरे 2 बिल्लूज, वहां पर है मेरे 2 घोड़ूज, वहां पर है मेरा थूकचंद, बट वेयर आर माय कुत्तास, मेरे डॉगीज का, व्हाट द हेल, पीछे देखो। तो काम करना स्टार्ट भी कर चुका ब्रो, दिस इज एपिक यार, लाइक लिटरली ब्रो। बस अब जो मैंने ये फालतू की इतनी कंस्ट्रक्शन करी है नरे परे वाली, सिर्फ ये तोड़ना है मैंने। ओ माय गॉड, वहां पे देखो एक और चल रहा है गाइस ये हाईचो का नया घर है। देखो गाइस, सी व्यू भी है, प्लेन्स व्यू भी है, बैक साइड से हमारे माउंटेन व्यू भी है, जैसा मैंने तुम लोगों से प्रॉमिस किया था एग्जैक्ट वैसा ही बताया। अब देखो गाइस, इस घर की जो खास बात है ना, वो है इसकी एग्जिट। इसकी एग्जिट है डायरेक्ट छलांग मारो पानी के बीच में, और हो गया काम। तो फाइनली भाई मेरा वाला घर भी तैयार हो चुका है हमारी।